गाय भी गई 10 लीटर दूध लगाया था रोड में, और दो मुर्गे भी गए, सारे मकान खाली किए, बच्चे पढ़ने वाले गरीब आदमी है, नहीं पढ़ा सकते बच्चे को भी, कहाँ से करें हम, इतना पैसा भी इसमें लगाया थोड़ा बहुत था जो है था, अब तो कुछ भी नहीं रहा। एक लड़की कॉलेज में भेजी, उसको अभी फीस देने के लिए नहीं पैसे, गाय के ऊपर ही था सारा कुछ। वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, अब मेरे यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। तो सरकार नम आंखें, रुंधा गला और गुहार लगाती हर जुबां, ये बेबसी का आलम शिमला जिले के रामपुर उपमंडल का है, जहां रचोली पंचायत के गांव सूंडा में 25 जुलाई को आई तबाही ने न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी छीन ली। शांता देवी जी, हाँ जी, हाँ जी, गांव सुंडा, हाँ जी, और मेरी गाय भी गई 10 लीटर दूध लगाया था रोड में, और दो मुर्गे भी गए, सारे मकान खाली किए, बच्चे पढ़ने वाले गरीब आदमी है, नहीं पढ़ा सकते बच्चे को भी, कहाँ से करें हम, इतना पैसा भी इसमें लगाया थोड़ा बहुत था जो है था, अब तो कुछ भी नहीं रहा। एक लड़की कॉलेज में भेजी, उसको अभी फीस देने के लिए नहीं पैसे, गाय के ऊपर ही था सारा कुछ। गांव सुंडा में बादल फटने से जगह जगह जमीनों में दरारें पड़ गई थी, जिसके कारण गांव खतरे की जद में आ गया है। डर के मारे कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहां डेरा डाला, तो कुछ ने सरकारी निर्देश पर स्थानीय सरकारी स्कूल में शरण ली। सुंडा गांव के प्रभावितों का कहना है कि सरकार की ओर से कुछ लोगों को नाम मात्र की राहत राशि दी गई है, जबकि बाकी लोग राहत की आस में है। खतरे की जद में आए ग्रामीणों ने सरकार से सुरक्षित स्थान पर बसाने और जल्द राहत की मांग उठाई है। मेरे नाम राजवंती है, मैं इसमें रहने वाली हूँ। ये सारा ऐसे ऊपर से सारा खत्म हो गया, अब कोई सारा कुछ भी नहीं है। सरकार की ओर से कुछ थोड़ा सा मिलना चाहिए। अभी तक सरकार की ओर से मिला नहीं? अभी तो कुछ नहीं मिला है। ऐसा जी, हम तो नहीं रह सकते यहाँ, कहाँ रह रहे नहीं हम यहाँ, हम तो और के घर में है, देखो यहाँ कैसा है, सोई भी खत्म, कमरा भी खत्म, हमारा सामान कुछ भी नहीं यहाँ, हम कुछ भी नहीं यहाँ हमारा। तो क्या नाम है, कौन सी जगह है ये? ये सुंडा है। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम है जापटी देवी, लड़के का नाम बताओ। नाम, अपना नाम? मेरा नाम जय सिंह है। हाँ जी, हाँ जी, और मैं RIDP में हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे को 2014 से RIDP में डाला गया है, और मेरे को अभी तक मकान का पैसा नहीं मिला। हाँ जी, हाँ जी। और मैं पंचायत में जाता हूँ, बोलते हैं कि अभी आगे से केस नहीं आ रहा है। तो अभी आपका नुकसान हुआ है यहाँ पे? नुकसान तो हुआ है सर, मेरा तो पूरा मकान उठा है, जल से ही उठा है। जल से तो अब मदद मिल गई कि नहीं आपको? मदद सर मेरे को तो कोई कुछ नहीं मिला, एक तिरपाल मिला है सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, बाकी मेरे को कोई मदद नहीं मिला सर। वहीं SDM रामपुर निशांत तोमर ने बताया कि लोगों के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, जिसके बाद निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि जारी की जाएगी। हमारे पूरे उपमंडल में जो हमारे मकान हैं, जो पार्शियल लॉस हैं, जो डैमेजेस हैं, उनका आकलन हम उसके हिसाब से देखें तो लगभग इसमें हमारा 8 करोड़ के आसपास हमारा इसमें नुकसान है, जो हमारे घर जो कम्प्लीटली और पार्शियल तौर पर हमारे जो डैमेज हुए हैं। काउ शेड हमारे पास रिपोर्टेड हुए हैं 96, हमारे पास रिपोर्टेड हुए हैं जिसकी क्षति पहुंची है, और 220 के आसपास हमारे जो रिटेनिंग वॉल हैं, जो डंगे हैं, जो लोगों के अपने डंगे हैं, नॉट जो NH या PWD के हैं, उनको अगर हटा दिया जाए तो लोगों के जो अपने डंगे हैं लगभग इसमें 210 के अराउंड हमें लोगों ने अपने जो घरों के आगे जो डंगे हैं उसकी हमें क्षति होने की रिपोर्ट दी है। तो ब्रॉडली अगर मैं देखूँ तो लगभग 85 करोड़ के आसपास ही हमारा टोटल लॉस बनता है, जो हमें डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है। इसमें क्योंकि नुकसान अभी काफ़ी जगह से हमें रिपोर्टेड हो ही रहे हैं, कुछ घरों में क्रैक्स आ गए हैं, कई जगह पे और देखने को मिल रहा है, तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तो इस पर हम वी आर वर्किंग ऑन दैट। पंजाब केसरी के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।